हे गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप हमारे किसी ट्रिप को मिस ना करें। हे गाइस, मेरा नाम है शुभदीप मन्ना और वेलकम टू NH6 टॉकीज। तो बेसिकली पिछले कुछ महीनों में मैंने और मेरे दोस्तों ने नागपुर सिटी के आसपास के सभी वाटरफॉल्स को विजिट और एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, और आज उसी के बेसिस पे मैं आपको नागपुर के 3 सबसे बेस्ट वाटरफॉल्स के बारे में बताऊंगा। इवेंचुअली अगर आप ये जगह पहले विजिट कर चुके हैं तो आपका ओपिनियन शायद थोड़ा सा डिफर कर सकता है, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने इन 3 वाटरफॉल्स को सॉर्ट आउट किया है। और अगर आप कभी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कुछ प्लान बना रहे हो तो आपको ये 3 वाटरफॉल जरूर विजिट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, नंबर 3 के स्पॉट पे नागपुर के सबसे करीब और एक बहुत ही ब्यूटीफुल जिलपी वाटरफॉल है। ये वाटरफॉल नागपुर सिटी से अराउंड 35 किलोमीटर्स में आता है, और मेरी माने तो आपको ये वाटरफॉल एक बार तो ज़रूर विजिट करना चाहिए। सिटी के इतना पास होने के कारण ये नागपुर का एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट भी है। जंगल से घिरे होने के कारण ये आपको एक बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट भी क्रिएट करता है, जहाँ आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। आप यहाँ अपने फैमिली के साथ वन डे पिकनिक ट्रिप भी प्लान कर सकते हो और उनके साथ यहाँ काफ़ी क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। बट नागपुर का इतना पॉपुलर स्पॉट होने के कारण आपको इस जगह पे हमेशा भीड़ ही मिलेगी, जो इस जगह को थोड़ा सा क्राउडी भी बनाता है। लोग यहाँ प्लास्टिक बैग्स, प्लेट्स, वाटर बॉटल्स और चिप्स के पैकेट्स यूं ही फेंके चले जाते हैं, जो इस ब्यूटीफुल नेचर को बहुत ही ज़्यादा अनअट्रैक्टिव भी बनाता है। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि अगर आप यहाँ पिकनिक के मूड से ट्रिप प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ यहाँ गंदगी ना फैलाए तो बेटर रहेगा। आप यहाँ दिन के किसी भी वक्त विजिट कर सकते हो, बट मेरी माने तो दोपहर या लेट इवनिंग में जाके आप यहाँ विजिट कर सकते हो और अपने फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। वैसे तो जिलपी वाटरफॉल की एंट्री बिल्कुल फ्री है, बट आपको यहाँ पार्किंग के थोड़े से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको यहाँ पानी का अच्छा फ्लो देखना है तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप यहाँ मानसून के बाद विजिट कीजिए तो बेटर रहेगा। आपको यहाँ ना ही कोई फूड स्टॉल मिलेगा, तो आप अपना खुद का खाना यहाँ लाए तो बेटर रहेगा। ओवरऑल जिलपी वाटरफॉल एक बहुत ही ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट है, और अगर आप कभी एक सडन ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपको इस जगह पे आके जरूर विजिट करना चाहिए। तो गाइस, नंबर 2 के स्पॉट पे नागपुर के करीब एक फेमस और पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट घोघरा वाटरफॉल है, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। नागपुर सिटी से अराउंड 60 किलोमीटर्स में ये स्पॉट जामसावली हनुमान मंदिर के पास आता है। ये जगह एक बहुत ही फोटोजेनिक और अट्रैक्टिव प्लेस है, और इसकी ग्रीनरी और पीसफुल नेचर में आप लोग अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। अगर आप जामसावली हनुमान मंदिर जाने का प्लान कर रहे हो तो मेरी माने तो ये लोकेशन पे आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। घोघरा वाटरफॉल जाने तक का रास्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ तक जाने की जो जर्नी है उसमें आप काफ़ी इंजॉय भी कर सकते हो। चट्टानों के बीच से इसका पानी करीब 50 फीट ऊपर से गिरता है, जो इसे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वाटरफॉल भी बनाता है। ये वाटरफॉल जाम नदी से ओरिजिनेट होता है, जो जामसावली हनुमान मंदिर से 4 किलोमीटर अंदर आता है। यहाँ आपको ना ही कोई फूड स्टॉल या कोई रेस्टोरेंट मिलेगा, तो अगर आप यहाँ जाने का प्लान कर रहे हो तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप अपने खाने पीने का सामान साथ में ले जाए तो बेटर रहेगा। घोघरा वाटरफॉल जाने का बेस्ट सीजन अगस्त से सेप्टेम्बर के बीच में है, जहाँ आप इस समय इसके वाटरफॉल में अपने फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम भी इंजॉय कर सकते हो, बट रेनी सीजन में इस जगह पे जाना थोड़ा सा डेंजरस भी हो सकता है। ओवरऑल ये वाटरफॉल एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है, बट इसके पॉपुलर होने के कारण लोग यहाँ गंदगी भी ज़्यादा फैलाए जाते हैं, जो इस जगह की खूबसूरती को थोड़ा सा ख़राब कर देता है। तो शायद इसलिए ये मेरा नंबर 2 स्पॉट पर रहेगा। तो गाइज, नंबर 1 का स्पॉट डिसाइड करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, बट मेरे ओवरऑल ट्रैवल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने डेगमा वाटरफॉल को नंबर 1 के स्पॉट पे रखा है। ये वाटरफॉल एक नेचुरल हॉटस्पॉट है, जो पूरी तरीके से जंगल के बीच होने के कारण नेचर लवर्स के लिए एक परफेक्ट लोकेशन बनाता है। डेगमा वाटरफॉल वानाडोंगरी गांव के पास आता है, जो नागपुर सिटी से अराउंड 35 किलोमीटर्स पे है। ये वाटरफॉल एक हिली टेरेन के बीच आता है, और इसका पानी नेचुरल रिवर से ना होने के कारण आपको समर के टाइम में पूरा सूखा भी मिल सकता है। क्योंकि ये लोकेशन एक घने जंगल के बीच आता है, तो ये एक परफेक्ट जगह है कोई नेचर ह्यूमन कॉन्टैक्ट के लिए, जहां आप काफ़ी पीसफुली नेचर के बीच कनेक्ट कर सकते हो और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ काफ़ी क्वालिटी टाइम भी अच्छा स्पेंड कर सकते हो। डेगमा वाटरफॉल की एक और खासियत ये है
कि आपको इस वाटरफॉल के नीचे शिव जी की मूर्ति मिलेंगी और इस पे वाटरफॉल का पानी गिरते हुए देखना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिनेरियो सा क्रिएट करता है। जैसा कि आपने पहले के वाटरफॉल्स में देखा है कि ज़्यादातर वाटरफॉल काफ़ी डेंजरस है और मैं पर्सनली आपको किसी में उतर के नहाने का एडवाइस नहीं करूँगा, बट डेगमा वाटरफॉल में आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ काफ़ी सेफली इसके वाटरफॉल के नीचे इंजॉय कर नहा सकते हो। ये वाटरफॉल तक जाने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट अगर आप इस वाटरफॉल तक पहुँचना चाहते हो तो मेन रोड से करीब 1/2 किलोमीटर का ट्रैक आपको जंगल के अंदर करना पड़ेगा और यहाँ तक के पहुँचने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ओवरऑल इसके खूबसूरत लोकेशन, सॉफ्ट फ्लोइंग वाटर और सेफ सराउंड एनवायरनमेंट के कारण डेगमा वाटरफॉल मेरे नंबर 1 स्पॉट पे ही रहेगा। और मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप नागपुर के करीब इस ब्यूटीफुल जगह को एक बार तो ज़रूर विजिट कीजिए। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई जगह छूट गई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और चैनल पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।